हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम फोकस। फाइनली आज मैं डीएमआरसी का कंप्लीट टेस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 60 क्वेश्चंस विद 45 मिनट्स, यानी कि 45 मिनट में 60 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। मैंने हर सेक्शन को इंक्लूड करने की कोशिश करी है इसमें, इनफैक्ट क्लॉज टेस्ट भी डाला है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा, और जो भी नंबर आएगा आपका, तो अप्रॉक्सीमेटली आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि कहाँ पर आप स्टैंड करते हैं। बिफोर प्रोसीडिंग मैं क्वेश्चन पे चलूँ, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगले एक हफ्ते तक मैं छुट्टी पे रहूँगा, और इसी दौरान मैं हिमाचल प्रदेश जा रहा हूँ, और अपने छुट्टी को एक्सटेंड करते हुए मुझे मौका मिलेगा अपने नए ट्रैवल जो मेरा ब्लॉग है बीइंग ट्यूरिस्ट, उसकी शूटिंग के लिए। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं आज तक, या जिन्हें एडवेंचर पसंद है, वो जुड़ सकते हैं मेरे नए चैनल के साथ बीइंग ट्यूरिस्ट, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और वीडियोज़ जो है, मेरा कहने का ये मतलब था कि जो वीडियोज़ हैं, हो सकता है उतना फ्रीक्वेंटली ना मिल पाए, अगर हिमाचल प्रदेश में इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी होगी होटल्स में, या वाईफाई अच्छी होगी, तो मैं कोशिश करूंगा अपलोड करने का, नहीं तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। एंड थैंक यू वेरी मच। तो इस जो हमारा प्रीवियस टॉपिक है, तब तक आप उसको रिवाइज कीजिएगा। अब चलते हैं टेस्ट की तरफ। तो पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा, और 45 क्वेश्चन अच्छे से, 60 क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, साथ में आंसर की लास्ट में प्रोवाइड करा हुआ है, और कमेंट में कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो पूछिएगा, अगर मुझे मौका मिला वहां से कमेंट करने का तो मैं कर दूंगा। ओके, सो लेट्स प्रोसीड।
ओके, तो हियर इज द आंसर की उम्मीद है। देखिए मैंने 38-39 मिनट में पूरा का पूरा 60 क्वेश्चन, और मैंने मुझे लगता है कि अच्छा खासा समय मैंने दिया हर क्वेश्चन पे, और जिसका नहीं कंप्लीट हो रहा हो तो वो थोड़ा सा अपना स्पीड बढ़ाएं, क्योंकि 4-5 मिनट आप एक्स्ट्रा जरूर रखें लास्ट में रिवीजन करने के लिए या क्रॉस चेक करने के लिए, जो क्वेश्चन आपने मार्क एज अ रिव्यू करके रखा हुआ है उसको देखने के लिए। ठीक है, तो अब मैं दे रहा हूँ आपको आंसर की, और जो कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन था वो मैंने छोटा चूज किया है क्योंकि स्क्रीन पे अट नहीं पाएगा पूरा अगर मैं बड़ा कॉम्प्रिहेंशन दूंगा तो, इसलिए आप थोड़ा बड़ा कॉम्प्रिहेंशन का या 2-3 पैराग्राफ जिसमें होते हैं वो भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो और क्लॉज टेस्ट भी उसी हिसाब से आप अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कुछ कहीं से सेट अगर आपको मिले तो। रेस्ट आपको आंसर मैं दे देता हूँ, और सॉरी ये है आंसर की पहले 40 क्वेश्चन का, उसके बाद 20 क्वेश्चन का मैं 30-40 सेकंड यहाँ पर रोकता हूँ, अपनी आवाज को बंद करता हूँ ताकि आप अपना आंसर मार्क कर लें, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बाकी के 20 क्वेश्चन आपको दे दूंगा। बाकी आप पॉज करके भी अपना आंसर चेक कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट आंसर की पहले चलता हूँ। ये है वो बाकी के 20 क्वेश्चन, और कॉम्प्रिहेंशन वगैरह में आप रीडिंग फास्ट करने का कोशिश कीजिए ताकि जो समय है वो बचा जा सके, और मतलब निकालने का कोशिश कीजिए कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हुए, तब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना और जल्दी आंसर करना थोड़ा आसान रहेगा। बाकी मुझे लगता है कि मैंने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं प्रॉपरली, और कहीं एरर होगा तो बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थे तो मे भी कहीं पर एरर हो सकता है, मैंने वैसे तो क्रॉस चेक कर रखा है लेकिन फिर भी गलती हो सकती है। तो थैंक यू गाइस, मुझे उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और एक हफ्ते बाद या मे भी अगर इन केस बीच में समय मिला तो मैं ज़रूर अपलोड कर दूंगा कोई वीडियो, आइडम प्रेजेस समथिंग समथिंग, और ठीक है फिर मिलते हैं एक हफ्ते के बाद। थैंक यू वेरी मच, मोस्ट प्रॉब्ली मैं 24, 25 या 26 से अपलोड करूंगा रेगुलर बेसिस पे वीडियोस, तो आज ये बड़ा टास्क था इंग्लिश का वीडियो कवर करना, वो मैं कर चुका हूँ, सो थैंक यू वेरी मच।